हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं और एक ऐसी सरकार हमारे पास है और एक ऐसे प्रधानमंत्री रूल कर रहे हैं जो कि सिर्फ मोनोलॉग में विश्वास करते हैं, और इस मोनोलॉग के दौर में हम डायलॉग कर रहे हैं। तो हम कोशिश तो ये कर सकते थे कि हम बुलाएं सत्ता के लोगों को भी, लेकिन उन्हें सवाल पसंद नहीं है, तो वही काम हम फिर कर रहे हैं कि ऑपोजिशन के लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं। तो चुनाव से 100 दिन पहले लगभग, खासकर वो लोग जो कि अब लोकसभा चुनाव के जो अग्रणी नायक हैं उनमें से एक माने जाते हैं, और ख़ासकर जब चुनाव का तापमान ऐसे वक्त पे पहुंच चुका है, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि माना जा रहा है कि उन कम से कम 5 लोगों में से एक हैं जो ये तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगर वो खुद प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश यादव ना कि बहुत ही तेजस्वी नेता हैं, बल्कि बहुत कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों में से एक हैं। ये भी इतिहास इनके नाम है, और मैं गुजारिश करूंगी कि मुझे इंटरव्यू पूरा करने दिया जाए और तालियां हम बाद में बजा लेंगे, पहले सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू कर लेते हैं। तो अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बताया जाता है कि आप साइकिल चलाने के बड़े शौकीन हैं, साइकिल चलाते चलाते आपने साइकिल पर हाथी बिठा लिया, क्या भारी हो गई है साइकिल? मैं सभी लोगों की बात सुन रहा था, क्योंकि आपके बोलने से पहले 3 लोग बोल चुके हैं और सबको डर लग रहा था किसी न किसी तरीके से। सोचो हम लोगों पे क्या गुजरती होगी, क्योंकि हम वो लोग हैं, समाजवादी लोग, जो तय कर चुके हैं कि देश में नई सरकार बनेगी, और नई सरकार बनाने के लिए साइकिल की रफ्तार बढ़े, साथ अच्छा हो तो हटाने में कामयाब होंगे। तो यानी हाथी जो है वो धक्का लगा रहा है साइकिल को, हाथी का साथ है। लेकिन ये बताइए कि मुझे ये पता चला है कि जो सरकार अगली बनने वाली है वो महामिलावट की सरकार है। देखिए, जो लोग इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो राजनीति में इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ होगा जो इस समय हो रहा है। लेकिन आप क्या क्या मिला रहे हैं इसमें? ये मैं तो ये कहूँगा कि ये विचारों का संगम है, दलों का संगम है, उसकी सरकार बनेगी जाकर। ये कोई मिलावट की नहीं है, ये संगम होने जा रहा है तमाम विचारधाराओं का एक साथ, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। दिल्ली में अभी पिछली जितनी भी सरकारें बनी हैं, और इनकी खुद की सरकार जो कह रहे हैं कि मिलावट की सरकार है, उनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में आपने क्या क्या मिलाया था, तब जाकर के आप 70 से ज्यादा लोकसभा के सांसद जीते थे। आपने खुद मिलावट की? अब तो संगम होने जा रहा है, और विचारधाराओं का संगम जब होगा तो सोचिए क्या होगा। अखिलेश जी, यहाँ बहुत बड़ा सवाल जो मुझे लगता है यहाँ बैठे तमाम लोग जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ, वो ये कि मायावती जी के साथ खासकर जिस तरह के संबंध पिछले दशकों में रहे आपके, आपके परिवार के लोगों के, आपकी पार्टी के, ये संभव कैसे हो पाया, कैसे आप हाथ मिला पाए? संबंध कैसे भी रहे हों, लेकिन देश के लिए और देश को नई दिशा देने के लिए संबंध बेहतर किए जाते हैं। मुझसे सवाल ये पूछा था कि इतने साल पुरानी जो 25 साल से झगड़ा था दोनों दलों में, मैंने कहा कि ये जो झगड़ा था केवल 25 मिनट में मैंने खत्म कर दिया। ऐसे कैसे हुआ? मतलब हम स्टेज पर हैं लेकिन कुछ बैक स्टेज स्टोरीज भी तो हमें पता चलनी चाहिए। ये सब जान जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और फिर ये बात दिल्ली वाले जान गए तो और गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये राज ही रहने दीजिए तब तक जब तक नई सरकार ना बने। क्या इसकी एक वजह ये भी है कि जो कुछ हुआ दरअसल वो आपके पिता या चाचा का हम जिक्र करें कि उन सब के दौरान वो कड़वाहट रही, और आप चूंकि एक नई जनरेशन, नई पीढ़ी के नेता थे तो आप इतिहास पीछे छोड़ पाए, क्या ये एक वजह रही कि आपके संबंध दरअसल आपकी पार्टी या आपकी विरासत से उसका संबंध होगा लेकिन आपसे नहीं है? मैं आपको ये बात बताऊं, सच ये है कि नेताजी के भी संबंध उस दल से बहुत अच्छे रहे हैं, और ये बात जानकर के आपको खुशी होगी
कि गोरखपुर की बधाई मैं बाद में दे पाया था, नेताजी ने मायावती जी को पहले बधाई दी थी, ये कोई नहीं जानता। तो संबंध बनाने से बनते हैं, क्योंकि देश के लिए और एक नई राजनीति की दिशा तय हो तो बहुत सारी चीज़ें भुलानी पड़ती हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी के नेता ने भी इन बातों को माना और उन्होंने तमाम चीज़ों को भुलाया और आज देश को एक नई दिशा देने जा रही हैं। अब सवाल यह है कि आप नेताओं ने तो ये तय कर लिया आपस में कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये पार्टी काडर को आपने कैसे समझाया या आप कैसे समझाएंगे जो दशकों तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, अब एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, कैसे होगा ये? उदाहरण के लिए तो कई चुनाव हैं जो मैं कह सकता हूं कि अभी चुनाव हाल ही में हुए थे, बाई इलेक्शंस, आपने कैडर को देख लिया, दोनों कैडर कितना मिलकर के काम किए। तो मुझे नहीं लगता है कि जो तकलीफ जो परेशानी लोगों को है, और जब आप महसूस कर रहे हैं दिल्ली में कि कैसे मीडिया को डराया जा रहा है और अगर उसके साथ कोई और हो तो उसको कितना डराया जा रहा है, तो शायद इससे ज़्यादा जनता समझ रही है, क्योंकि अच्छे दिन के बहाने अच्छे लोग भी उनके साथ चले गए और शायद 4.5 साल बाद समझ में आया कि ये अच्छे दिन वाले लोग जो अच्छे लोग पहुंच गए थे अब सब वापस आ रहे हैं। इसी के साथ तो दूसरा सवाल भी पैदा हो रहा है। शिकायत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके साथ दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपने कई बार ये कहा कि ये अलायंस जो है वो बहुत नेचुरल अलायंस है, ये तमाम हाशिए के लोगों का अलायंस है, ये तमाम गरीब लोगों का अलायंस है, ये तमाम वो लोग जो विकास की कहानी में पीछे छूट गए हैं ये उनका अलायंस है, इसकी आप इस बात से किसी को असहमति नहीं है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 90 के दशक में काशीराम और मुलायम सिंह यादव सबसे पहले उन्होंने इस अलायंस को करने की कोशिश की थी। अगर ये इतना प्राकृतिक इतना नेचुरल अलायंस था तो आपने इतने दशक क्यों लगा दिए? शायद आपको इस बात की भी जानकारी होगी क्योंकि मैं राजनीति में उस समय नहीं था, वो दूरियां क्यों बनी, और शायद दूरियां बनाने वालों ने दूसरा रूप लेकर के सत्ता हासिल कर ली, ये बात शायद हम लोग समझ गए, इसलिए अब दूरियां होने वाली नहीं है। नहीं समझे, थोड़ा और समझाइए। ये बात समझने की इतनी है कि जो उन्होंने दूरियां की थी उनको फिर दूर कर देंगे इस बार, सत्ता से दूर। क्या आपको इस बात का विश्वास है कि जो भविष्य है, जो 100 दिनों बाद का भविष्य है, वो गठबंधन का ही भविष्य है? अभी तक तो पिछली अगर कई सरकारें हम देखें तो गठबंधन की ही बनी है। जो आज सरकार है क्या ये गठबंधन की नहीं है? क्या इनके साथ गठबंधन में लोग नहीं जुड़े हैं? गठबंधन का मतलब जो टिपिकल सवाल केवल इतना है कि लोग नहीं जानते हैं, कई प्लेटफॉर्म से ये बात नहीं गई है कि कितने इनके साथ दल मिले हुए हैं। हम तो यूपी में ही जानते हैं, एक मंत्री जी हैं, उनकी पार्टी है, वो सुबह से लेकर शाम तक न जाने क्या क्या कहते हैं बीजेपी के लोगों को, लेकिन देखो बीजेपी के लोग कितने अच्छे हैं, वो कुछ भी कहें सब स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सरकार चलानी है, उन्हें गिनती अपनी बढ़ानी है। उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन जरूर हुआ, लेकिन क्या इस तरह का गठबंधन हमें राष्ट्र के स्तर पर, राष्ट्रव्यापी स्तर पर देखने को मिलेगा? प्री पोल अलायंस, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि जब आप लोग चुनाव कितनी सीटें आएंगी फिर पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। अभी तक तो जो देखने को मिल रहा है, और मुझे खुशी है इस बात की, अभी वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें ममता जी ने सभी दल के लोगों को बुलाया था और उस प्लेटफॉर्म में सभी दल के लोग पहुंचे थे, और अगर यही दल जो लग रहा है आने वाले समय में जो जीत करके आ रहे हैं तो शायद देश में एक नई सरकार देंगे, और मुझे यकीन है इस बात का कि ये तमाम दल जो मंच पे आए हैं सब मिलकर के नई सरकार देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका होगी, और इसलिए भूमिका होगी कि आज जितने उनके लोकसभा के सांसद हैं अगर आप उनको माइनस कर दें तो सोचिए उनकी सरकार कहां से बन रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश से ही रास्ता निकलता है, पहले भी कई प्रधानमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश से ही बने हैं, और अगर कहीं और से कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो शायद उत्तर प्रदेश में क्यों चुनाव लड़ते। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये गौरव क्या टूटा है, क्योंकि अब तो पिछले 5 साल में लगभग नागपुर और गुजरात से जो है सरकार चल रही है। वो लोग बाद में समझ पाए, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अच्छे दिन के बहाने बहुत सारे अच्छे लोग भी उनके साथ चले गए, और उनको अब यकीन हुआ है कि जो लोग सत्ता में वो दो दो शपथ लेकर के बैठे हुए हैं, अगर दो शपथ होंगी तो वो कितने कंफ्यूज होंगे,
वो संविधान से चलाएं कि किसी और चीज से चलाएं। तो दो शपथ वाले लोग बैठे हैं, वो सत्ता में है इस समय। दूसरी शपथ कौन सी है? मैं शायद देश में सब लोग जानते हैं दूसरी शपथ कौन लेता है। एक तो संविधान की शपथ, एक दूसरी शपथ है। और अगर ये देखना है कि दूसरी शपथ कौन सी है, तो कभी उत्तर प्रदेश का अखबार उठा करके देख लें कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या क्या कहते हैं। उन्होंने कहा एक बार कि अगर कहीं कोई परेशान करे आपको बंदर, तो हनुमान चालीसा पढ़ दें आप। और दो शपथ वालों को देखो आप, हम तो शायद उन चीजों में इतना नहीं है, सीखते हैं उन चीजों को। सोचो स्नान करने का तरीका क्या होता है, वो तो हमने टीवी पे देखा कि स्नान कैसे किया जाता है। तो ये जो लोग दिखा रहे हैं, ये सब दो शब्द वाले लोग हैं। तो इसीलिए शायद कहा जाता है कि आप अच्छे हिंदू नहीं हैं। मैं अच्छा भारतवासी भी हूं और अच्छा हिंदू भी हूं, और उसके लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कम से कम वो हिम्मत मुझ में है, सबसे बड़ी बात यह है। शायद जिनमें हिम्मत नहीं है वो शायद सर्टिफिकेट मांगेंगे। लेकिन आप कब्रिस्तान को बिजली देते हैं, शमशान को नहीं देते? वो बातें हुई थी, लोग समझ नहीं पाए थे, और मैंने उस समय भी कहा था कि हम समझाते रहे वो बहकाते रहे, तो अब जनता बहुत समझदार है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर सच्चाई आ रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें भी इंटरनेट जो टेररिस्ट लोग हैं इनसे भी मुकाबला करना है, क्योंकि न जाने कौन सी भाषा इस्तेमाल करने लगते हैं वो। तो योगी जी वो ताकतवर हैं थोड़े, लेकिन इधर कमजोर हुए हैं, बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है। अब देखिए अब काम गिनाए जा रहे हैं। मैं सदन में देख रहा था, भाषण सुन रहा था, एक के बाद एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम। तो अगर ट्रक बंद हो जाएंगे, मान लो पुरानी बसें बंद हो जाएंगी, तो नए काम तो मिल ही जाएंगे लोगों को। सदन में सोचिए आप, काम गिनाया जा रहा। वही हम कहते थे कि काम बोलता है, जब हमारा काम नहीं बोला तो इनका काम कैसे बोलेगा। तो चलिए, योगी जी कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं, वो ईद नहीं मनाते, आप हिंदू हैं, आप ईद मनाते हैं, फिर भी ऐसा लगता है मुझे। वापस मैं आपको लाना चाहती हूँ कोलिशन के सवाल पे, बहुत गंभीर सवाल है ये दरअसल। और जिस नई सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं, वो नई सरकार इसी पे निर्भर करेगी कि अब यूपी के अलायंस के बाद और कौन कौन से अलायंसेस बनेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो भी ये चाहता है कि दिल्ली में नई सरकार बने, मजबूत सरकार बने, जैसे मोदी जी कह रहे हैं मजबूर सरकार ना बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अलायंसेस हों, और रियल टाइम में अलायंसेस हों, रियल अलायंसेस हों, जिनमें सीट शेयरिंग से लेकर तमाम चीज़ें और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जैसे आप जिसे प्राकृतिक नेचुरल कोलिशन कह रहे हैं, उस तरह के नेचुरल कोलिशंस हों। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब कौन से कोलिशंस की घोषणा हमें सुनने को मिलेगी? फिलहाल तो उत्तर प्रदेश ही में हैं हम लोग, और क्या नया गठबंधन होगा ये दूसरे दल जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश का गठबंधन तो है अभी, और वो ज़मीन पर जा रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, जनता उसका समर्थन कर रही है, ये बड़ी बात है। तो आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन एक बात अच्छी है, ये शुरुआत समाजवादियों ने की थी, कहते कि देश को नया प्रधानमंत्री मिले। अब तो अच्छा है कि बीजेपी में भी नई खोज चल रही है, सुना है कि उसमें भी कोई नए प्रधानमंत्री तैयार हो रहे हैं। तो सोचिए गठबंधन का क्या असर दिखाई दे रहा है आपको। अभी तक तो बीजेपी वाले स्वीकार नहीं करते थे कि उनके पास भी कोई और नया प्रधानमंत्री है, अब तो तैयार हो रहा है उसमें भी कोई नया प्रधानमंत्री। खबर आप तक पहुंच गई है, क्योंकि हम इतने भी पीछे नहीं हैं पिछड़े उसने कि जो अब ये बातें ना समझ पाए। क्योंकि आप ये कहते रहे हैं कि आप हिंदू हैं, लेकिन आप बैकवर्ड हिंदू हैं। नहीं, वो इसलिए कहा कि लोग समझ जाएं कि हम क्या हैं। हम तो सर्टिफिकेट वाले नहीं हैं, हम पैदाइशी हैं और लोग सर्टिफिकेट वाले हैं। तो अब की बार, और जन्म का किसी पे अधिकार नहीं है। तो अब की बार आप, शायद मुझे अधिकार होता जन्म का तो मैं तय कुछ और कर लेता, लेकिन मुझे पता होता कि क्या होने से क्या क्या मिलता है। तो किसी का अधिकार नहीं है जन्म पर,
ये पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग समझें और जो रास्ता दिखाना चाहते हैं गैर बराबरी खत्म हो। आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है सोचिए, इस देश में बहुत सारी चर्चा होती है लेकिन भुखमरी कहाँ है, बेरोजगारी देखो कहाँ, कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे, डेढ़ गुनी हो जाएगी आय, लेकिन वो सवाल कहाँ है आय वाले, आज तक नहीं बताया कि एमएसपी मिलेगी कहाँ पर, किसान को बताया कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, इतना लाभ पहुंच जाएगा, लेकिन ये नहीं बताते कि आपको एमएसपी मिलेगी कहाँ पर, वो जगह नहीं बताते। मैं आऊँगी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, और ये शायद चुनाव के लिए जो आधे दर्जन सबसे अहम मुद्दे हैं उनमें से एक ये मुद्दा है, और मैं इस पर तफसील से बात करना चाहती हूँ, लेकिन वापस आपको गठबंधन पे लाना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो है वो इसी पर चर्चा हम करना चाहते हैं, गठबंधन के ऊपर। आप कह रहे हैं कि गठबंधन होगा, हो गया है और नई सरकार गठबंधन से तय होगी, लेकिन दो पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है, कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया आपने, बिना कांग्रेस पार्टी के क्या दिल्ली में सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं जिसमें दो कांग्रेस को दी गई हैं, आरएलडी को साथ लिया गया है, और भी उत्तर प्रदेश के दल हैं, निषाद पार्टी, उनको भी साथ लेने की कोशिश हो रही है, और समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, सभी दल तो आ गए इसमें। कांग्रेस है उसमें शामिल है? कांग्रेस कैसे, मैंने कहा ना कांग्रेस शामिल है उस गठबंधन में, और बिना कांग्रेस के गठबंधन पूरा नहीं होता, इसलिए कांग्रेस भी शामिल है उसमें। नहीं और समझाइए हमें, हम थोड़े ना समझ हैं। क्योंकि 80 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं है, 80 से ज्यादा सीटें होती तो और भी विचार हो सकता था। तो यानी आप ये कह रहे हैं, क्या आपकी बातों से ये अंदाजा लगाया जाए कि एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी के बीच, खासकर इस मद्देनज़र भी कि प्रियंका गांधी अब एक्टिव रोल ले चुकी हैं पॉलिटिक्स में, और माना ही जाता है कि जब गांधी सड़क पे उतरता है तो उसके साथ लोगों का सैलाब जाता है। जो शिकायत आपकी मीडिया की थी जब मैं मंच से सुन रहा था, वो शिकायत अच्छी लग रही थी, अगर वही शिकायत दूसरों को भी वही हो जाए तो क्या फर्क है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ क्या होना है, दो हमने दी है साथ है, हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हम चाहते हैं कांग्रेस लड़े अगर लड़ना चाहती है तो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी को साथ लिया है, निषाद पार्टी ली, कांग्रेस साथ है, सब तो साथ हैं, अभी बंगाल में कार्यक्रम हुआ सब साथ थे, और समय कम है, जिनसे लड़ना है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो कब डिस्ट्रैक्ट कर दें दिमाग, कब लोगों के बीच क्या बात पहुंचा दें, इसलिए हमें भी बहुत सावधान रहना है हर ताकत से अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है देश में। तो अगला सवाल इसी की तरफ है मेरा, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं खासकर प्रियंका गांधी के बारे में सवाल पूछना चाहती हूं कि उनकी राजनीति में अब एक्टिव रोल को लेकर महासचिव वो बना दी गई हैं, आपका क्या कहना है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैंने हमेशा इस बात को कहा और इस बात को मैं मानता हूं कि नया भारत तभी बनाएगा जब नए लोग आएंगे राजनीति में, और ज्यादा से ज्यादा नए लोग आए, क्योंकि देश सबसे ज्यादा युवा है, कम से कम नई सोच आएगी, हम तो बधाई देते हैं, अच्छी बात है कि नए लोग और राजनीति में आ रहे हैं। क्या बदलाव लाएंगी प्रियंका? अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि जनता क्या फैसला लेगी, ये लोकतंत्र तो जनता चलाएगी, आखिरकार जनता को तय करना है, हमें तो खुशी है इस बात की कि नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है कि और नए लोगों को जोड़ें। लेकिन जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल आप जो हैं वो आग से जले हैं और छाछ फूंक के पी रहे हैं, पिछले चुनाव में जो अलायंस है दरअसल वो एक तरह से काडर ने भी ये समझा और पार्टी के नेताओं में भी इसको लेकर एक राय बनी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस आपको सूट नहीं किया। ये बात मैं नहीं कहूँगा, ये जो लोग सोचते हैं हो सकता है उनका विचार ऐसा हो, लेकिन हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, गठबंधन था, गठबंधन आगे नहीं हो पाया या नहीं साथ है तो वो अलग बात है। तो यानी आप और सीटें, यानी दो तो आप देने को तैयार थे, उसके अलावा सीटें आप छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि अखिलेश जी ये सबसे अहम बात इसमें ये है कि ये समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया, मैं अकेला कैसे तय कर दूं। आप शुरुआती में वहां कहा आपने कि हाथी का साथ साइकिल के साथ, तो ये अच्छी बात है, अगर उस समय भी आप कुछ और जोड़ देते तो अच्छी बात थी।
नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि बसपा और सपा दोनों मिलकर ये तो नहीं चाहेंगे कि एक त्रिकोणीय जो है मुकाबला बन जाए, कि कांग्रेस पार्टी जब तक कमज़ोर थी शायद एक तरह से खतरा नहीं था इस गठबंधन को, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि जो वोट है वो प्रियंका गांधी के खासकर आने से और जिस क्षेत्र में वो अपना किरदार निभाएंगी, खासकर आपको ये नहीं लगता कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा और नुकसान हो सकता है उस नई सरकार के सपने को जिसको आप देख रहे हैं? देखिए, चुनाव कैसा होगा जनता ने मन बनाया हुआ है और जनता ने एक मन साफ बनाया हुआ है कि आज जो सरकार है वो सत्ता में नहीं आएगी। खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं, दूसरे प्रदेशों से भी यही सुनने को मिलता है। इसलिए दल कोशिश करेगा, हम और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, लेकिन दूसरा दल रोकना नहीं चाहता, अपनी पार्टी बनाना चाहता है। यह फर्क है राजनीति में। इसलिए आपको सोचना होगा और तमाम उन लोगों को जो सोचते हैं कि राजनीति किस दिशा में जाए। हम भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा जिसने जहर घोल दिया है, हम और आप अभी तक तो धर्म की नफरत में जी रहे थे कभी कभार, लेकिन जातियों की नफरत में धकेल दिया। आप क्या हैं, आप कैसे हैं, क्या पहन के आ रहे हैं, आप क्या खाओगे जाकर के? तो इसलिए उस विचारधारा को जिसने दो शपथ लेकर के सत्ता में रह करके काम कर रहे हैं, उनसे मुकाबला है। और लोकसभा में देखिए कितना वोट पाए थे, किसी लोकसभा में 5 लाख, किसी में 4.5 लाख, किसी में 6 लाख। ये वोट कहां से आया? इसलिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ताकत को रोकना चाहते हैं और केवल उस विचारधारा को इसलिए रोक चाहते हैं, किसान बर्बाद कर दिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी रोकना चाहती है या नहीं? वो अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं शायद, मुझे तो ये सुनने में मिला है। चलिए, ये शिकायत लगता है आपके जरिए उन तक पहुंच जाएगी। चूंकि नई सरकार की, नए प्रधानमंत्रियों की बात हो रही है, तो क्या देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं? मैं वैसे तो समाजवादी हूं, लेकिन सरकार बनाने में मैं भाग्यवादी हूं। अब जिसका भाग्य होगा वो बनेगा, जिसका भाग्य होगा वो बनेगा एक, लेकिन मुझे खुशी होगी इस बात की कि उत्तर प्रदेश से कोई ना कोई बने। शायद ये जवाब आपको ठीक लगा होगा। नहीं, मुझे बताइए कि क्या आपको, समाजवादी पार्टी को, इस गठबंधन को राहुल गांधी स्वीकार्य हैं, एक्सेप्टेबल हैं एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, या आपको ये लगता है कि गठबंधन के हित में ये है कि अभी किसी प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा ना की जाए? क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि फुसफुसाहट हो रही है और लोग जानना चाहते हैं कि मोदी वर्सेज हु, मोदी के सामने कौन है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि उनके चेहरे पर, उनकी पार्टी पर ही चुनाव हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी और तमाम दल ऐसे हैं जो अपनी जगह ताकत रखते हैं, हैसियत रखते हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई रोकेगा तो वो रीजनल फोर्सेस हैं जो वो काम करने जा रहे हैं। बंगाल में अगर कोई रोकेगा तो ममता जी रोकेंगी, बिहार में कोई रोकेगा तो एक अलायंस बन रहा है वो रोकेगा, उत्तर प्रदेश में कोई रोकेगा तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर के और जो सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर के रोकेंगे। तो इस सब के दौरान राहुल गांधी का तो नाम भी नहीं आया? अभी कोई प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी है, अभी तो लोकसभा के सांसद लोगों का चुनाव है। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि राहुल गांधी के अंदर वो योग्यता है कि वो 130 करोड़ लोगों के देश के नेता बन सकें, प्रधानमंत्री बन सकें? निजी स्तर पर बताइए मुझे, पर्सनली क्या आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं? नेता और पत्रकार के बीच में कुछ पर्सनल नहीं होता। लेकिन आपकी पर्सनल पसंद और नापसंद तो हो सकती है। अगर वो मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। ये बात तो कहीं और पर्सनल हो सकती है, तो जो पूछेगा मैं बता दूंगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होगी कि उत्तर प्रदेश से भी, गर्व है उत्तर प्रदेश को इस बात का कि उत्तर प्रदेश से कोई प्रधानमंत्री बने, और जो जनता चाहेगी वो बनेगा, हमारे चाहने न चाहने से नहीं होगा।
नहीं अखिलेश जी, तो ये बात तो नहीं है उत्तर प्रदेश की जो कि बार बार बात आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है एक्सप्रेसवे आपने इसलिए बनवाया कि जल्दी जो है लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाएं आप? नहीं, मैं तो चाहता था कि बंगाल के लोग भी जल्दी पहुंच जाएं, बिहार के लोग भी जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि गाजीपुर तक मैंने बना दिया था। लेकिन ये अलग बात है, शिलान्यास करने वाले जो शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं, अभी काम ही नहीं कर रहे हैं उस पर। हम तो चाहते देश में एक्सप्रेसवे बने, और देखिए गडकरी जी भी बना रहे हैं कुछ एक्सप्रेसवे, लगता वो भी दिल्ली में आना चाहते हैं जल्दी। आप पूछिए देश में अगर कोई एक्सप्रेसवे नया बना रहा है तो गडकरी जी बना रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि आप क्यों बना रहे हो दिल्ली के पास जाने के लिए। तो इसका मतलब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए मेरा कोई सपना नहीं है, हाँ, लेकिन नया देश का प्रधानमंत्री बने ये मेरा सपना है। और मेरा झगड़ा क्या है, झगड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें बैकवर्ड बना दिया, जो मैं समझता ही नहीं था अपने आप को। मैं लैपटॉप बांट करके ये तमाम काम कर करके ये लगता था कि मैं भी फॉरवर्ड हो गया हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने वापस कह दिया कि आप बैकवर्ड हो। जिस मेट्रो पे खुरिया के प्रेसिडेंट बैठे थे और नोएडा से दिल्ली जोड़ने वाली, वो समाजवादी लोगों ने बनाई थी, ग्रेटर नोएडा नोएडा बनाया। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की बीजेपी के लोगों ने हमें बैकवर्ड कहा, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, मुझे खुशी है इस बात की। तो ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या आपका काडर आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता है? मायावती प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है, यानी एक गठबंधन दो पार्टियों का, दोनों में दो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। मैं अभी तो बताया मैंने आपको कि अगर दो गठबंधन है, जितने भी गठबंधन हमारे हैं, मैं तो नहीं बनना चाहता हूं उसमें। तो फिर तो अमित शाह ठीक ही कह रहे हैं कि हर दिन के लिए एक प्रधानमंत्री है सप्ताह के। उनका कैलेंडर बदलने वाला है बहुत जल्दी। अखिलेश जी बताइए कि क्या आप में, आपने बताया कि आप में और कांग्रेस पार्टी में शायद कोई समझ है, शिकायतों के साथ समझ भी है, लेकिन क्या आप में और मायावती जी में, आपकी पार्टी में और बसपा में भी ये समझ है कि एक जो है वो दिल्ली का रोल निभाएगा और एक राज्य की जो है कमान थामेगा, इसमें से कौन दिल्ली में है और कौन राज्य में है? मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है इसमें। फिलहाल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सब अलायंस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को रोके, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है किसी में। क्या वाकई जो ये समझ है अंदरूनी आपके बीच, पहली बात तो क्या ये समझ है? किसी शर्त के साथ समझौता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि लोगों का, विचारों का संगम है, इसलिए हमारा ये समझौता है। क्योंकि देश ऐसे ही चलेगा जब अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग जगह से लोग आकर के मिलेंगे, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। तो ये हमारे विचारों का संगम है जो आने वाले समय में आपको दिल्ली में दिखाई देगा। अगला सवाल बहुत अहम सवाल है जिस पर शायद आप सबकी नजर भी होगी और सब ये जानना चाहते हैं, बल्कि इस बात को लेकर काफी अंदेशा था, आशंकाएं थी कि क्या ये गठबंधन हो पाएगा या नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनका जो दुरुपयोग है, उनका जो गलत इस्तेमाल है। मैं आना चाहती हूँ सीबीआई पर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर। क्या अखिलेश यादव को सीबीआई से डर लगता है? वो डर कांग्रेस ने निकाल दिया, इसीलिए मैंने कहा कि जिस दिन मैं मायावती जी से मिला, मुझे अगले दिन पता लगा कि सीबीआई हो गई है किसी योजना की, फिर पता लगा ईडी भी आपके पीछे लगा दी गई है। तो मैंने कहा कि अगर ये संस्थाएं मुझसे कुछ पूछताछ करना चाहेंगी तो मैं जरूर जवाब दूंगा। बीजेपी ने बहुत गठबंधन किए हैं तो चलो अच्छा है, दो गठबंधन और सही उनके, लेकिन चुनाव जनता लड़ेगी, ये गठबंधन चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीबीआई और ईडी से वोट नहीं मिलने वाला है। आप जो डरा रहे हैं, आपने बंगाल में क्या किया या यूपी में क्या करना चाहते हैं आप? इन संस्थाओं से खिलवाड़ अगर आप करेंगे तो एक दिन यही आपको, आपका भी हाथ जलेगा इसी में। मुझे अच्छा लगा, मुझे शायद अगर मैं उतना ही भाषण सुनता, बंगाल में भाषण था और कहा कि मुझे 9-9 घंटे सीबीआई ने बैठाया, तो मुझे लगा कि शायद ये
सीबीआई किसी और के पीछे नहीं लगाएंगे। लेकिन लग रहा है कि राजनीति में ये एक नया हुनर है कि अगर हम इतना परेशान हुए हैं तो देखो हमें मौका मिलेगा, हम आपको भी उतना ही परेशान करेंगे। मतलब सास भी कभी बहू थी? देखिए ये सीरियल में नहीं देख पाता हूं। हाँ मैं डिंपल से पूछूंगा कि सीरियल में क्या झगड़ा है, और फिर ये झगड़ा तो हर घर में है। लेकिन ये बताइए ईमानदारी से कि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा दुरुपयोग बीजेपी ने किया है? मैं इसकी तुलना नहीं करूंगा, आकलन भी नहीं करूंगा, लेकिन ये संस्थाएं ठीक से काम करें तो देश को लाभ होगा, वरना संस्थाएं कोई आएगी सरकार एक कलम से दस्तखत करेगी और वो संस्था ही खत्म हो जाएगी। क्या ऐसे फैसले नहीं हुए क्या? आप अपने पॉलिटिकल दुश्मनों से हिसाब किताब, ये पॉलिटिकल शिष्टाचार नहीं है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम आपके खिलाफ करेंगे, आप सत्ता में आ जाओगे तो चलो अच्छा है बीजेपी ने कुछ तो सीखा। लगता है ये पाकिस्तान से सीख रहे हैं बीजेपी के लोग। देखो पाकिस्तान में क्या लोकतंत्र है, एक सरकार आती है तो दूसरा प्रधानमंत्री देश छोड़ के चला जाता है, और दूसरे की सरकार आती है तो दूसरा प्रधानमंत्री छोड़ के चला जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तान से सीख रहे हो ये बात? संस्थाओं को खत्म करना लोकतंत्र में, और एक संस्था नहीं कई संस्थाएं हैं। हमारे देश को जरूरत है कि नौजवानों को नौकरी मिले, किसान की तकलीफ दूर हो। आपने नोटबंदी की, आप नोटबंदी के फायदे बताइए कि नोटबंदी से कितने लोगों को लाभ मिला है, हमारे व्यापारी भाइयों का कितना फायदा हुआ है, आपको बताना चाहिए क्योंकि इतना वक्त गुजर गया, बताना चाहिए। और कम से कम रिजर्व बैंक के जो नए आए हैं उनको बताना चाहिए कि देखो इतना रुपया था, इतना रुपया आ गया, इतना रुपया नकली था, इतना असली था। सोचो इतनी जल्दीबाजी की नोटबंदी में कि बीजेपी को यही समझ में नहीं आया कि असली जमा हो गए कि नकली जमा हो गए उसके अंदर। इस जल्दीबाजी किस लिए थी? पूरा व्यापार खत्म कर दिया। और क्या कहा था, वो एक था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया भी और भाग भी गए लोग। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है और बहुत ही हास्यास्पद भी है कि किस तरह से अब लगभग 5 साल गुजर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को, और शायद ये कैसे पहले प्रधानमंत्री होंगे और ये एक पहली ऐसी सरकार होगी जो 5 साल बाद अपने नहीं बल्कि विपक्ष के भ्रष्टाचार के गुनाह दिखा रहे हैं लोगों को। मुझे कहावत 5 साल बाद, जी मैं ये कहना चाह रही थी कि 5 साल बाद जिस तरह की जवाबदेही विपक्ष की तरफ से मांगी जानी चाहिए वो कन्विक्शन नज़र नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा नहीं होता कि जब प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिक्स को इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो बहुत कामयाबी के साथ ऐसा कर पा रहे हैं कि 5 साल सत्ता रही उनके पास, 5 साल तमाम पावर्स रही उनके पास, लेकिन जवाबदेही है विपक्ष की, क्यों विपक्ष एकजुट होकर एक स्वर में इसका जवाब नहीं मांगता प्रधानमंत्री से? कभी कभी जो बात हम कहलवाना चाहें या दूसरे लोग जबरदस्ती कहलवाना चाहें नहीं हो पाता, लेकिन भगवान की कृपा देखो आप, आपने भी नहीं गौर किया होगा लोकसभा में, लोकसभा में प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे, उन्होंने क्या कहावत कही थी, वो किसके लिए कही थी उन्होंने, आप समझो सोचिए किसके लिए कहा था वो। भगवान ने अच्छा कहा, कैसा करवाया भगवान ने कि उन्होंने खुद ही कह दी वो बात, उल्टा चोर। आप बात ही नहीं समझ पाए। इसलिए हम तो समझ गए देश 130 करोड़ का भी समझ जाएगा वो किसके लिए कहा उन्होंने। आप उनकी बातों में नहीं आइए, भगवान ने जो कहलवाया उसमें आइए आप, लेकिन हम वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चोर वाली भाषा अच्छी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आपका डर निकल गया है सीबीआई का? पहले नहीं, मुझे डर इसलिए नहीं कि क्या डरेगा, डरेंगे क्या, डरने से क्या लाभ है, किस लिए डरेंगे हम, किस बात के लिए डरें? राजनीति कर रहे हैं सेवा के लिए, लोगों के दुख दर्द दूर हो, कोई हम सीबीआई से बचने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो मैं ही सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों विपक्ष के नेता मिलकर जिनके खिलाफ ये तमाम मामले हैं
जिनको कि नरेंद्र मोदी सरकार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आप बात समझिए। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जिनको नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो जो एजेंसीज हैं उनके जरिए डर जाएं, क्यों नहीं विपक्ष के नेता एकजुट होकर ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो हैं वो आप स्पीडी ट्रायल करिए, हमारे खिलाफ आप मामले साबित करिए जनता के सामने और हम जेल जाने को तैयार हैं। कभी इस तरह की बात सुनने में आई नहीं। ये देश अच्छे लोगों के भी हाथ में है और कोई चीज खराब आदमी के हाथ में चली जाए तो अच्छा आदमी भी उसके साथ क्या क्या हो जाता है। फिल्मों में देखते थे, वो तो 3 घंटे में रिजल्ट आता था। फिल्मों में जो होता है कभी कभी वो स्टोरी ऐसी बनती है कि 2.5 घंटे वो पहले पुरानी फिल्मों में होता था, अब तो फिल्म बहुत शॉर्ट हो गई है। पूरी फिल्म में साजिश होती थी, षड्यंत्र होता था, परेशान होता था हीरो, आखिरी 15 मिनट में वो हीरो हीरो हो जाता था। कौन इंतजार करेगा कि हम 30 साल के 25 साल ऐसे ही रगड़ा खाएं और 5 साल बाद कहीं रिजल्ट अच्छा आए। संस्था में क्यों झगड़ा ये बताइए। सीबीआई से सबको डराया जा रहा है लेकिन डायरेक्टर से खुद डर रहे हैं। इसमें अहम सवाल ये उठ रहा है, चूंकि आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज किया, आप कांग्रेस पार्टी के बाद बीजेपी कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी, मैंने ये नहीं कहा, आप रिवाइंड कीजिए, मैंने क्या कहा? आपने कहा कि कांग्रेस ने डर निकाल दिया। हाँ, ये तो मैंने कहा। इसलिए कहा कि क्योंकि राजनीति में शुरुआत में थे तो सीबीआई हो गई, बैलेंस शीट ठीक हो गई, अब बीजेपी वालों ने कर दी तो अब बैलेंस शीट ठीक पहले से ही है। लेकिन आपको लगता है कि ममता बनर्जी भी क्या अपने राज्य में इन इंस्टीट्यूशंस का, इन संस्थानों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं? खासकर मैं एक बात को अंडरलाइन करना चाहती हूं और खासकर इस बात को कहना चाहती हूं कि जिस तरह से वहां पुलिस अधिकारी उनके साथ धरने पर बैठे, नंबर वन। नंबर टू, जिस तरह से वो बीजेपी के लोगों को वहाँ कैंपेनिंग करने की इजाज़त नहीं दे रही है, ना कभी हेलीकॉप्टर कभी नहीं इजाज़त देती हैं कि वो वहाँ उतर जाए, कभी दूसरी बातें हो जाती हैं, कभी कह देती हैं कि मैं कम्युनलिज्म नहीं फैलाने दूंगी, क्या आपको नहीं लगता कि ये उनका पूरा बिहेवियर नंबर एक इंस्टीट्यूशंस का गलत इस्तेमाल है, नंबर दो अलोकतांत्रिक है? ममता जी ने जो किया वो ठीक किया। जिन लोगों को नहीं घुसने दिया, हम भुक्तभोगी हैं उत्तर प्रदेश में कि इनकी भाषा जहर घोलने वाली है। सोचिए क्या कह के आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पर, क्या कह के आए वहाँ पर, उत्तर प्रदेश की क्या हालत है आज ही, कितने लोगों की जान गई है शराब से। बीजेपी के लोग जानते हैं कौन शराब बेच रहा है, 60-70 लोगों की जान चली गई और वो भी बीजेपी के लोगों की सरकारें दोनों जगह। क्या कह के आए थे मुख्यमंत्री जी वहाँ पर हमारे, सपा और बसपा के तख्ती लटका दीजिए। वो तख्ती लटका करके घूम रहे बंगाल में, क्या मतलब है उसका, और फिर अगर तख्ती की बात है तो सोचो मुख्यमंत्री जी की और उनकी कैबिनेट की तख्ती कितनी बड़ी होगी, तो वो किस लिए जा रहे हैं बंगाल में? उत्तर प्रदेश संभालें, वो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं संभाल रहे? अभी उनके लोकसभा के सांसद, उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या हो गई, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, विधायकों के साथ क्या हो रहा है, थानों में क्या हो रहा है? हम, मुझे याद है कि पिछले चुनाव में कहा जाता था कि सब थानों में यादव हैं। मैं समझाता रहा, दिल्ली वाले भी लगा, दिल्ली वालों ने भी मान लिया कि वहां पर सब यादव ही होंगे। हम उन्हीं से कहना चाहते हैं, आज गिनती करो कौन लोग हैं थाने में, इलाज कैसे होता है, पहले जाति पूछी जाती है तब इलाज होता है। और फिर हमारे यहां तो कानून व्यवस्था क्या है, जो अधिकारी ट्रांसफर रुकवाना चाहते हैं वो इनकाउंटर कर देते हैं, उसी से उनका ट्रांसफर रुक जा रहा है। नोएडा में एक नौजवान जितेंद्र यादव की गोली मार दी, क्या न्याय मिला उसको? एक गुजर लड़के को गोली मार दी, क्या न्याय मिला उसको? जान चली गई उसकी। एक राजभर लड़के की गोली मार दी, क्या न्याय मिला उसको? हमारे क्षेत्र में दो दो तीन तीन जिला पंचायत सदस्यों पर ऐसी धाराएं लगाई हैं, 376 की धाराएं लगा दी आपके। हम पुलिस से कहे क्या कर रहे हो आप, पुलिस के लोग सुनने वाले नहीं है, आईपीएस सुनने वाले नहीं है, तो क्या उम्मीद करोगे उनसे? तो वो अगर बैन लगाया है बंगाल में तो ठीक लगाया है, क्या भाषा है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो क्या उन्हें राजनीति करने का अधिकार नहीं है? मंत्री कह रहे थे कि ठोक देंगे, ये भाषा क्या थी, उन्होंने कहा ठोक देंगे, तो पता लगा पुलिस ने एक निर्दोष नौजवान को लखनऊ में ठोक दिया।
मुख्यमंत्री की भाषा ये हो, टोक दें। नहीं तो क्या उन्हें राजनीति करने का अधिकार नहीं है? संविधान, अरे राजनीति नहीं रोकते, लेकिन कम से कम भाषा तो अच्छी रखो। इसीलिए मैंने कहा था अच्छे दिन के बहाने बहुत सारे अच्छे लोगों ने उनका समर्थन किया था। हाँ, लेकिन वो सब समझ गए उनकी बात। ये बहुत, मैं आपसे टू द पॉइंट सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इस सब के बावजूद कि आपकी इन बातों से बेशतर सहमति है, जो बयानों की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन देश का संविधान तो इस तरह की राजनीति के बावजूद भी उन्हें रोकता नहीं है पॉलिटिकल कैंपेन? इसीलिए मैं कहता हूँ विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से हराई जा सकती है। तो करने दें फिर कैंपेन। लेकिन देश की खूबसूरती ये नहीं है जो ये जहर घोलेंगे मंच से खड़े होकर के। क्या आपने जो बात कही थी शुरू में कि कब्रिस्तान और शमशान की बात, मैं तो मंदिरों को भी पैसा दे रहा था। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं 2 साल सरकार नहीं है हमारी। आप मथुरा वृंदावन का निकलवा लीजिए, सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया काम के लिए? समाजवादी लोगों ने सबसे ज्यादा काम कराया वहां पर। और अयोध्या फैजाबाद में सबसे ज्यादा काम किसने कराया? समाजवादियों ने। और अंडरग्राउंड केबलिंग जो बनारस में हो रही है, आप सबके भाषण निकलवा लीजिए 2014 के। अगर किसी नेता ने यह कहा हो कि बनारस के ये तार जो जिससे जान चली जाती है, पूरा हमारी सड़कें खराब हैं, अगर कोई अंडरग्राउंड करेगा तो समाजवादी सरकार करेगी। नहीं तो अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होती, धार्मिक स्थान पे हम नहीं काम कर सकते? नहीं तो उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सरकार होती तो आप भाजपा के लोगों को घुसने नहीं देते चुनावी? शायद ये जो भाषा उनकी है तो भाषा के लिए तो कुछ होना चाहिए, आचार संहिता भी तो होती है कुछ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि आप नहीं घुसने देते। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। तभी आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ठीक कर रही हैं। उन्होंने एकदम ठीक किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है हमारे मुख्यमंत्री जी की, आपने भाषा नहीं सुनी? क्या भाषा बोल करके आए वहां? अरे उत्तर प्रदेश का विकास बताते कहते कि हम बंगाल में इससे ज्यादा अच्छा काम करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में ये नहीं किया था उन्होंने? दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके किया था। क्या वहां बंगाल में नहीं कर रहे हैं? और उनका प्रचार तंत्र तो इतना खूबसूरत है कि पता नहीं क्या क्या कहने लगे। अभी यूपी में कहना शुरू कर दिया उन्होंने। उनका व्हाट्सएप गैंग जो इंटरनेट टेररिज्म है वो कैसा है? कहाँ की तस्वीर कहाँ की मिला करके कहाँ पहुंचा देंगे? मोदी जी को आपने भाषण के लिए नया सब्जेक्ट दे दिया है कि देखिए किस तरह से मोदी को रोका जा रहा है, वो अगले भाषण में यही बोलेंगे, बोलने नहीं दिया जा रहा है मोदी को। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब लोग कोई सुन नहीं रहा है। अब लोग कुछ और सुनना चाहते हैं। मतलब बोलते रहे मोदी जी, सुन नहीं रहे लोग? नहीं, प्रधानमंत्री जी अपना काम बताएं। अब बताओ, उन्होंने शौचालय बनाए, उनकी अगर भाषण सुने तो शौचालय से शुरू होकर के शौचालय पे खत्म हो जाता है। और मुझे लगा कि शायद ये आखिरी बजट है, शौचालय में पानी आ जाएगा, लेकिन उसमें पानी नहीं आया बजट में भी। क्या इस डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसे शौचालय बनाएगी जिसमें पानी ही नहीं है? कहाँ बताओगे आप दुनिया में? लेकिन बीजेपी के पास पूरा आंकड़ा है कि उनकी जो स्कीमें हैं दरअसल उन्होंने देश के हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह छुआ है। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश में हमारे पास भी थे। सही नहीं थे वो? ये आंकड़े हमारे पास भी थे, लेकिन जनता कुछ और चाहती है इस बार। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि किसी को उन्होंने टॉयलेट दिया, किसी को उन्होंने सिलेंडर दिया, किसी को जो है उन्होंने आमदनी दी है। उत्तर प्रदेश में कई लोगों की जान सांड से चली गई। अब उत्तर प्रदेश में पता ही नहीं लगता है कि सांड किस कोने से आ जाए। वहां वायर लगा रहे हैं खेतों में किसान, वो वायर लगा देते हैं, पता नहीं कि सांड किधर से आ जाए। आप सोचिए, क्या इस भारत में सांड के घुस जाने से लोगों को सदमे से जान चली गई? कुछ रोकने गए उनकी जान चली गई? और इनके मंत्री जी जा रहे थे, गाड़ी नहीं देख पाया ड्राइवर, और गाड़ी टकरा गई सांड से और एक्सीडेंट हो गया, कुछ पट्टी बांधनी पड़ी उन्हें। तो ये देश खेत बचाओ यूपी को सांडों से, ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन क्या करूं, बोलना पड़ रहा है। लेकिन ये बताइए कि आपका क्या प्लान है, आपकी क्या योजना है? मैं कोई प्लान नहीं बताऊंगा क्योंकि बीजेपी वाले सुन लेंगे। और हमारा वही प्लान है जो हमने गोरखपुर में किया और कैराना में किया, उन्हीं का फार्मूला उन्हीं पर लगा दिया। मैं अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ, जो है रफाइल से जुड़ा हुआ और नौकरियों से जुड़ा हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी वो सिंगल हैंडेडली इस इशू को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में कामयाब रहे हैं, आप मानते हैं या नहीं? मुझे याद है
कि जिस समय जंतर मंतर में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, उस समय मुझे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं राफेल में, तो मैंने कहा था कि उस समय जेपीसी की मांग की थी, और उस समय पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा था। बाद में कोर्ट से कुछ फैसला आया, उसके बाद लोगों ने और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा जेपीसी, शायद ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी की है, कोई देश का इतना बड़ा सवाल हो, वो सवाल ये ना समझें कि केवल उन्हीं का है, देश का सवाल है, सभी दलों को साथ लेकर के उसमें लड़ाई लड़नी चाहिए। बस ये मेरा ये सुझाव है, लेकिन अब वक्त कम है, देश जान गया है, मुद्दा राफेल भी है, बेरोजगारी भी है, ये जो और चीज़ें हैं, सवाल जो किसान के हैं वो भी सवाल बड़े हैं, जो तकलीफ है किसान को, गन्ना किसान का भुगतान नहीं हो पा रहा, आपकी कोई भी फसल पैदा हो जा रही है नहीं मिल पा रहा, और आपने किसान को क्या दिया, 500 रुपए दे रहे हैं आप? नहीं, मैं आती हूँ किसानों के मुद्दे पे, आती हूँ उस पे, जरूर विस्तार से बातचीत करेंगे। सरकारें ज्यादा मदद कर रही हैं किसानों। अखिलेश जी, समय भी मेरे पास कम हो रहा है, मेरी टीम बता रही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ खासकर राफेल को लेकर, क्योंकि देखिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि देश की जनता ने जिन खास मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को वोट किया था, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा ये था कि दरअसल ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि इनकरप्टेबल हैं, जो कि ना कि सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं कर सकते बल्कि करने भी नहीं देंगे। तो क्या सिंगल हैंडेडली राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस इमेज में डेंट लगाने में कामयाब रहे? और दूसरी बात कि आपकी जैसी पार्टियां राफेल के मुद्दे को उतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे क्यों नहीं रखती हैं जितना कांग्रेस पार्टी कर रही है? हमारी पार्टी भी बोलती है और हम भी समय समय पर बोलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा अगर किसी से सवाल पूछा है तो हम लोगों ने भी उसका सवाल का जवाब दिया है, और सच्चाई ये सही है जो आप कह रही हैं, वो सच्चाई है कि जिसका दामन साफ सुथरा ज़्यादा है उसका धब्बा दूर से दिखाई देगा। तो जो ये कहते हैं कि हमारा दामन साफ है और धब्बा दिखाई दे रहा है तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। फिर मैं बात लोकसभा वाली पे आ जाता हूँ कि देखिए भगवान ने क्या कहलवा दिया उनसे, वो बात समझनी चाहिए सबको, और देश समझ रहा है, जहाँ राफेल मुद्दा है वहां हमारे किसान का भी सवाल है। अब मैं बात करना चाहती हूँ खासकर पहले किसानों के मुद्दे की, एक सवाल और उसके बाद आपके ऊपर आरोपों का सिलसिला भी शुरू होगा। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि किसानों के मुद्दा खासकर अभी पिछले बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का मैं जिक्र कर रही हूँ जिसमें मिनिमम आमदनी का जिक्र हुआ है, आपको नहीं लगता कि ये किसानों के फायदे की स्कीम है और इससे जो ग्रामीण भारत है, जो रूरल इंडिया है, उसमें बीजेपी की पेठ जो है वो मजबूत होगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भी बताना पड़ेगा कि यूरिया में और डीएपी में जो 5 किलो पिछले कई वर्ष से काट रहे हैं, बोरी कितने की होनी है, 5 किलो कहाँ चला गया, इसका जवाब कौन देगा? जो पिछले कई वर्षों से 5-5 किलो काटा गया है वही 500 रुपए वापस दे रहे हैं लोग, ये किसान समझता है बात को? यानी स्कीम का असर नहीं होगा, इसके अनाउंसमेंट का असर नहीं होगा, क्योंकि गारंटी का जिक्र कर रही है सरकार। ऐसे तो सरकार ने यह भी कहा था कि हम एमएसपी दे देंगे, लेकिन आज तक जगह नहीं बताई कहां पर एमएसपी मिलेगी। बीजेपी ने यह कहा कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान हो जाएगा, महीनों गुजर गए नहीं हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश में तो कहा कि इन्वेस्टर्स मीट है, इतने 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं लोग, अच्छे दिन का वादा किया वो आए नहीं अच्छे दिन। तो जनता भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं कर रही है, और शायद वक्त भी अब कम है कि इन स्कीमों के फल आने में भी जितना वक्त लग जाएगा उससे पहले लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। अब बात आती है धर्मनिरपेक्षता की, आपने पिछले कुछ मिनटों के दौरान बार बार भगवा राजनीति का जिक्र किया, आपने कहा कि किस तरह से जो सोशल फैब्रिक है देश का वो चेंज हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुलायम सिंह यादव आपके पिता और आप दोनों की धर्मनिरपेक्षता में, उसके ब्रांड में, उसके अंदाज में, और जिस तरह से राजनीति में आप धर्मनिरपेक्षता को प्रैक्टिस करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं लगता मुझे, लगता है मैं क्या फ़र्क बताऊँ, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति धर्म का कोई भारत में रह रहा है, हम तो सबको बराबर की तरह देखते हैं, नेताजी भी देखते थे इसी तरीके से।
लेकिन ये माना जाता है कि दरअसल आप कहीं ना कहीं अपनी जो पहचान है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो पहचान की राजनीति है, उससे अलग करना चाहते हैं. इसका भी मैं एग्जांपल दूंगी कि पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में इसका उदाहरण साफ तौर पर देखने को मिला. लेकिन उससे पहले जो एक बड़ा आरोप है आपके ऊपर वो ये है कि मुजफ्फरनगर के दंगों में सरकार को जो अपना राजधर्म निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया. उसमें एक तरह की इनएफिशिएंसी भी थी और उससे ज़्यादा कहीं ये डर था कि जो हिंदू वोट बैंक है उसका बैकलैश हो सकता है. दुर्भाग्य था कि मुजफ्फरनगर जैसी घटना हुई, उसके मैंने कई बार जवाब दे चुका हूं मैं, और जितनी सरकार मदद कर सकती थी, जितना उनके दुख दर्द में खड़ी हो सकती थी सरकार, सरकार खड़ी रही. और मैं आज भी भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी लोग कहीं भी किसी के साथ अन्याय होगा तो उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे. और अगर हक और सम्मान की लड़ाई लड़नी भी पड़ी तो ज़मीन पर लड़ाई लड़नी पड़े, ज़मीन पर लड़ाई लड़ेंगे. और उनको हक और सम्मान अगर कानूनी तौर से दिलाना पड़ेगा तो उसके लिए भी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी. लेकिन आपकी सरकार के रहते इतना बड़ा दंगा कैसे हुआ, कैसे लोग मारे गए, हिंसा हुई, हजारों लोग बेघर हुए? अब उस बात पे इसलिए नहीं जाना चाहिए, कमीशन ने रिपोर्ट दी है और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी है उसके साथ साथ, सदन में मैं पेश कर चुका हूँ, वो पब्लिक है. क्योंकि बहुत सारी बातें उस समय हुई जो सरकार उस समय जिम्मेदारी निभा सकती थी, जिम्मेदारी निभाई. जो समय एक्शन लिए जा सकते थे, एक्शन लिए समाजवादी पार्टी ने. सवाल इसलिए भी उठता है अखिलेश जी, क्योंकि न सिर्फ कि एक मुख्यमंत्री और सरकार के तौर पर आपकी जिम्मेदारी जो थी वो ये माना गया कि उस तरीके से नहीं निभाई गई, दूसरी बड़ी बात कि जो प्रतिबद्धता थी सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता को लेकर वो भी नहीं निभाई गई. और ख़ासकर आप कह रहे हैं पुरानी बातें भूल जाएं, मैं नई बात से बात शुरू कर लेती हूँ, वो ये कि अब दर्जनों की तादाद में दंगों के मामले योगी आदित्यनाथ वापस ले रहे हैं. एक बार भी नहीं सुना गया कि आपकी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया. जहां से आग लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं पर आग बुझाने का काम अगर किसी ने किया तो कैराना की जीत ने, वहां के लोगों ने. मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं. और जहां तक केसों का सवाल है या और घटनाओं का सवाल है, समय समय समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है, हमेशा विरोध किया है. और आज इस मन से मैं विरोध करता हूं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जान गई है. और जिनकी जान चली जाएगी, धाराएं हैं, कानून है, कोर्ट भी उसको स्वीकार नहीं करेगा. हमें और आपको, जितने लोग बैठे हैं, सबको संविधान पर भरोसा है और हमारी जुडिशरी पर भरोसा है. सरकार कुछ भी करे लेकिन हमें कोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा. यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से कोई गलती नहीं हुई मुजफ्फरनगर के दौरान? मैं आपसे कह रहा हूँ कोर्ट से भरोसा करना पड़ेगा और जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होनी चाहिए. आखिरी सवाल आपसे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वो ये कि 2017 के चुनाव में जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल पंडितों ने एक तरह का जो स्टाइल था आपका पॉलिटिक्स का वो मुलायम सिंह यादव से बिल्कुल अलग देखा. वो ये था कि आप एक विकास पुरुष के तौर पर अपनी इमेज आगे लाना चाहते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पहचान की राजनीति, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उससे दामन छुड़ाकर एक सो कॉल्ड 21वीं सदी 21st century पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है वो करना चाहता था. क्या आपको लगता है कि वो आपका जो अटेम्प्ट था, जो वो कोशिश थी, वो फेल हुई और इसलिए 2019 में अब जो नेता हैं अखिलेश यादव वो दरअसल मुलायम सिंह यादव के ही बेटे हैं? देखिए, नेताजी से कंपैरिजन हो गई होगा, वो कंपैरिजन कभी हट नहीं सकता. लेकिन नई पीढ़ी की भी नई सोच होती है, उनका भी कुछ अलग करने का मन होता है. जितना काम हमने किया, समाजवादी लोगों ने किया, वो इसलिए किया कि आगे वाली आने वाली पीढ़ी को कुछ दे करके जाएं. और बड़े काम मैंने इसीलिए किए कि आने वाली पीढ़ी कम से कम ये स्वीकार करें कि हाँ, समाजवादी लोग किस रास्ते पे ले जाना चाहते थे देश को. और ये जिम्मेदारी किसी भी सरकार की है. जो नेताजी ने हमें दिया, हमने उसको आगे बढ़ाया समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से. मध्य प्रदेश में अभी रासुका लगी है 3 लोगों के ऊपर जिनके ऊपर जो है वो गौवध का, गौ हत्या का आरोप था. कैसे आप जवाब देंगे? कई प्रदेशों में इसी तरह के कानून बने हैं,
कि अगर कोई गैरकानूनी काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कई प्रदेशों ने कानून बनाए हैं। यानी आप इससे इसके विरोध में हैं, एनएसए नहीं लगना चाहिए था। मैंने आपसे कहा कि कई प्रदेशों ने कानून बनाया है और कई प्रदेशों में कानून नहीं है। नहीं, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए लगाया हुआ है 3 व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, उस पर आपका क्या मानना है? अभी चुनाव बहुत करीब है और हम समाजवादी लोगों से कोई बात ये मत कहलवाइए। हमारी एकदम नियत साफ है, कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी और ये हर समाज के लोग चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता हो। अगर चुनाव में घोषणा पत्र में यही था, अगर आपने जनता के सामने वादा किया था तो इसीलिए तो सत्ता में आप आए हैं। तो आपने वादा क्या किया था जनता पर, तो वहां की प्रदेश सरकार बताएगी जो जनता को वादा किया था उस पर अमल कर रहे हैं वो लोग। अब हमारी सरकार तो है नहीं मध्य प्रदेश में, हमने सहयोग जरूर किया उनको, वो सहयोग भी भूल गए वो लोग। यही तो खासियत है कांग्रेस पार्टी की। तो यानी आप समर्थन नहीं करते इस बात का? मैंने आपसे कहा कि हमारा कुछ भी नहीं है सरकार में, वहां आपकी राय जो गलत है वो गलत है। गलत है, अगर कोई काम गलत हुआ है वो अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में कि गलत लगाया सरकार ने हम पे एनएसए, सरकार साबित करेगी अपने वकील को लेकर के। अब वाकई आखिरी सवाल, क्योंकि मैं जानती हूँ लोग यहाँ बेचैन हो रहे हैं और सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ पर तैयार हैं आरक्षण को लेकर। अभी सवर्ण आरक्षण जो है नरेंद्र मोदी जी ने लागू कर दिया है। मैं जानती हूँ ये जो मुद्दा है वो आपके दिल के नज़दीक है, आपके जो समर्थक हैं वो भी जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा क्यों कहते हैं ये बात मेरे दिल के पास है? मेरे दिल के पास यही है कि हम और आप सब गिन लिए जाएं और जो जितना है उसको हक और सम्मान मिल जाए, भाई इतना है मेरे पास। सवर्ण आरक्षण पे क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो कहते हैं उनको भी गिन लिया जाए, उनको भी आबादी के हिसाब से मिल जाए, लगता है कम मिला है उन्हें। लेकिन कहा यह जाता है कि रिजर्वेशन फॉर ऑल इज रिजर्वेशन फॉर नन, अगर सबको आरक्षण दे दिया गया इसका मतलब किसी को आरक्षण नहीं मिला। ये बहस बाद में हो सकती है, पहले हम और आप सब गिन लिए जाएं। सरकारों ने क्यों आखिरकार आंकड़े रोके हुए हैं? कांग्रेस पार्टी ने सबको भरोसा दिलाया था उस समय सदन में, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उस समय मैं भी था लोकसभा में। कांग्रेस ने कहा कि हम ये आंकड़े निकालेंगे और जनता के बीच में रखेंगे, लेकिन वो आज तक आंकड़े नहीं आए। बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, किसका साथ किसका विकास पता ही नहीं लग रहा। तो फिर मैं ये मान रही हूं कि आपको सवर्ण आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है? मैं तो ये कहता हूं सबको गिन लिया जाए, उसमें हमें लगता है जिनकी बात आप कर रहे हो वो सबसे ज्यादा खुश होंगे कि चलो इस बहाने सबकी गिनती हो जाए। हमारे देश में जो जमीन पर है वो ये है कि हर समाज ये समझता है हम आबादी में ज्यादा है लेकिन हमें मुल्क कुछ नहीं रहा है, और उसी का फायदा राजनीति के करने वाले लोग लाभ उठाते हैं। आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का, कहा कि सब नौकरी यादवों को मिल गई, एक कमीशन बैठाया गया, रिपोर्ट अभी तक ओपन नहीं की गई। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब रिपोर्ट आएगी। वो रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम है ही नहीं नौकरी में। अगर सरकार ने ना बैठाई हो रिपोर्ट तो बताइए। अगर देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है तो सबको हक और सम्मान बराबर मिलना चाहिए। यही है सबका साथ, यही है सबका विकास, यही है संविधान, यही है हमारा देश। तो चलिए, आपने कहा कि वो मुद्दा आरक्षण वाला आपके दिल के नजदीक नहीं है, लेकिन जो अगला सवाल है वो आपके दिल के नजदीक होगा। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ आपकी पत्नी, आपकी ही बात कही, आपकी पत्नी डिम्पल यादव के बारे में। उनकी पार्टी में क्या जगह है, उनके लिए आप किस तरह का रोल अगले आने वाले सालों में देखना चाहते हैं? क्या उनके लिए राष्ट्रीय मानचित्र पर एक रोल है या उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं? मेरा आखिरी सवाल है। डिम्पल बिल्कुल आज़ाद हैं, हालांकि वो मेरी पत्नी हैं, उसके बाद पूरा आज़ाद हैं पूरा निर्णय लेने के लिए। वो अगर चाहें राजनीति करना चाहें तो राजनीति करें, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहें लोकसभा चुनाव लड़ें, महिलाओं के सवालों पर उठाना चाहें तो वो करें, पूरी आज़ादी हमारी तरफ से। कहा जा रहा है कि दरअसल अखिलेश यादव दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके,
और डिंपल यादव जो हैं वो संभालेंगी उत्तर प्रदेश. कितना बड़ा सपना दिखा दिया डिंपल को आपने. अभी मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए ये सबसे बड़ी खुशी हमें होगी. मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी का भी, कि वो इतनी देर से बैठकर उन्होंने तमाम टेढ़े मेढ़े मुश्किल सवालों के जवाब दिए. और उम्मीद ये करते हैं कि कल को अगर वो प्रधानमंत्री बने तब भी सवालों के जवाब देते रहेंगे और एक ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे. नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया बनाने वालों में से हूँ और मैं सभी जितने साथी लोग आए उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ.